और पुतिन यूक्रेन में मोबिलाइज सैनिकों की तैनाती पर बड़ा काम कर रहे हैं। इन सैनिकों को दिन रात ट्रेनिंग दी जा रही है और आपको ये भी बता दें कि किस तरह से बाकी सैनिक अब उनकी बारी, क्योंकि पुतिन पहले चरण में हजारों सैनिक यूक्रेन भेज चुके हैं, तो बाकी सैनिकों का क्या होगा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रूस की नॉर्दर्न आर्टिलरी ब्रिगेड के साथ बड़े पैमाने पर मोबिलाइज सैनिकों को लगाया गया। मोबिलाइज सैनिकों को आर्टिलरी स्ट्राइक की स्पेशल ट्रेनिंग देकर बड़े ऑपरेशन के लिए भेजा जाएगा। मोबिलाइज सैनिकों को घातक हथियारों से लैस किया गया है ताकि ये यूक्रेन में जाकर ज्यादा से ज्यादा तबाही मचा सके। मोबिलाइज सैनिकों को सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और ग्रैड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूबरू कराया जा रहा है। यूक्रेन की जंग में पिछड़ने के बाद पुतिन ने 3,00,000 लोगों की सेना में भर्ती का ऐलान किया था। इसके बाद 80,000 से ज्यादा रंगरूटों को जंग के मैदान में उतार दिया गया। अब बाकी बचे नागरिकों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन पुतिन पर यह भी आरोप लगते रहे कि वो जल्दबाजी में इन जवानों ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3,00,000 फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की जान जोखिम में डाल रहे हैं क्योंकि इन्हें पूरी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। खबर ये भी है कि पुतिन ने जेल में बंद खतरनाक कैदियों को भी जंग के मैदान में भेजने का प्रयास शुरू कर दिया है, जिससे साइको किलर और आदमखोर कैदी भी शामिल बताए जा रहे हैं। शर्त ये है कि अगर ये कैदी 6 महीने जंग के मैदान में जिंदा रहे तो इनकी सारी सजा माफ कर दी जाएगी। और एक और बड़ी खबर है, ब्लैक सी में रूस की बड़े हमले की तैयारी है। रूस कर रहा है अपनी फ्लीट को अपग्रेड। यूक्रेनी नेवल ड्रोन्स को रूस का करारा जवाब। आपको मालूम होगा सेवेस्टोपोल में यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। अब रूस अपनी इस फ्लीट को अपग्रेड कर रहा है। यूक्रेन से जारी जंग को रूस नया रूप रंग देने जा रहा है। अब रूस यूक्रेन को जल, थल और आसमान तीनों मोर्चों पर घेरने के लिए नए सिरे से तैयारी कर रहा है। इसके लिए मिसाइल अटैक बढ़ाने के साथ ही अब पुतिन की आर्मी ब्लैक सी में नए सिरे से घेराबंदी करने जा रही है। इसके लिए रूसी सेना का ब्लैक सी में खौफनाक प्लान तैयार हो चुका है। युद्ध में मिल रहे झटकों के बाद रूसी सेना की अब आर्मी ब्लैक सी फ्लीट को अपग्रेड करने पर जुट गई है। यहां नए युद्धपोतों की तैनाती के साथ ही इनके मिसाइल पावर को भी बढ़ा रही है ताकि यूक्रेन के नेवल ड्रोन्स का माकूल जवाब दिया जा सके। यूक्रेन के नेवल ड्रोन्स लगातार रशियन फ्लीट को निशाना बना रहे हैं। दरअसल रूस शेषखरीज बंदरगाह पर हुए ड्रोन अटैक का बदला लेना चाहता है। यहां यूक्रेनी ड्रोन के हमले के बाद रूसी नेवी बदले की तैयारी में है। बीते हफ्ते हुए हमले के लिए रूस ने अब ब्रिटेन पर यूक्रेन को सीधे तौर से युद्ध में मदद का गंभीर आरोप लगाया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने ब्रिटेन की मदद से उसके ब्लैक सागर फ्लीट के युद्धपोत और कार्गो शिप पर अटैक किया है। यह हमला क्रीमिया की राजधानी सेवेस्टोपोल से सटे ब्लैक सागर में रूसी नौसेना के जंगी बेड़े और सप्लाई शिप पर किया गया था। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3,00,000 फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।